तो प्लीज़ अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल और फॉलो लाइक कमेंट प्लीज़ थैंक यू। तो मेरा नाम पवन कुमार है। आजकल सरकारी गवर्नमेंट के नाम पर कैसे बंदों को लूटा जाता है, कॉल कर कर के, वो भी उनके फ़ोन पर, और उनके पास उनकी सारी डिटेल होती है कि आपके पिता का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तक क्या है। तो सोच दोस्तों, मेरे पास अभी कॉल आई थी ऐसे ही ग्रामीण डाक सेवा से कि आपका सिलेक्शन हो गया है, उसके लिए आपको 40,000 रुपये लगेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर दोस्तों मैंने अभी तक कुछ पेमेंट की नहीं है। वो बंदा बोल रहा है पहले मुझे पेमेंट करो फिर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। मैंने तो दोस्तों मना कर दिया है, अभी मना भी नहीं किया मैंने, बट मैंने अभी इसको होल्ड पर रखा हुआ है कि भाई देख आगे क्या कहता है। वो ऐसे बोल रहा है कि मैं बिना पैसे लिए मिलूंगा नहीं। इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये फ्रॉड है। तो इससे आगे दोस्तों मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो मैंने बात करते करते रिकॉर्डिंग की थी लाइव में, आप खुद ही देखो और समझो। दोस्तों अगर आपको अगर ये इम्पोर्टेंट लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरता है, ताकि वो भी आगे सावधान रहे। हम जानते हैं हम कैसे पैसे कमाते हैं, हमारे फैमिली वाले कैसे कमा के हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अब ये ऐसे लोग हमसे पैसे कैसे चूना लगाते हैं जॉब के नाम पर। सो प्लीज़ दोस्तों अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू। जी जो मैं एडियन पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी ये ग्रामीण पोस्ट ऑफिस के लिए जो अप्लाई किया था ने, हाँ का सेकेंड मैच बन रही है तो तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट में नहीं होगा था। जी सर फर्स्ट लिस्ट में सर मुझे पता नहीं, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं। क्या? मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं उसका। जी हाँ के सर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 2012 हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। किससे? हाँ जी जी मेरा आया था 55%। जी सर वो तो कितना पुराना हो गया, मेरे पास अब तो है ही नहीं। जी जी सिलेक्शन करके भेज दिया जाएगा, उसी का जो है ज्वाइनिंग लेटर जो जाएगी स्टेट लिस्ट पे। जी तो इसमें अगर सिलेक्शन करवाना चाहते हो, हाँ जी तो पूछताछ करोगे तो मैं आज की डेट में सिलेक्शन कर दूंगा। सिलेक्शन जब हो जाएगा तो तुम्हारे पास सिलेक्टेड मैसेज चला जाएगा इंडियन पोस्ट ऑफिस लोगन, जिसका सिलेक्टेड मैसेज जाएगा उसी का स्टेट लिस्ट पे ज्वाइनिंग लेटर जाएगी। अच्छा जी हाँ। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? टोटल खर्च आपको जो है 40,000 लगेगी। कितना? 40,000। 20,000 सिलेक्शन के समय देना पड़ेगा और 20,000 जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग में जब 90 दिन के लिए चला जाएगा तब 20,000 देने। 40,000 लगेगा? हाँ। के समय लगेगा, 20,000 ज्वाइनिंग के बाद लगेगा, ट्रेनिंग में जब चला जाएगा 90 दिन के लिए तब लगेगा। अच्छा जी सर, तो 20,000 पहले देना पड़ेगा और 20,000 सिलेक्शन के बाद देना पड़ेगा? नहीं सिलेक्शन के बाद नहीं। जी सिलेक्शन के बाद नहीं, ज्वाइनिंग के बाद 20 देना पड़ेगा। अच्छा ज्वाइनिंग के बाद? हाँ जब ट्रेनिंग में चला जाएगा तब।
तो ये पैसा अभी देना पड़ेगा? 20,000 जो सिलेक्शन का लगेगा उसमें 10,000 पहले देना है, जब सिलेक्टेड में सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्टेड मैसेज तुम्हारे पास चला जाएगा, तब जो है 10,000 देना। सर देखो अभी तो मेरे अंदर में फाइल रहेगी। सर देखो अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अभी तो क्या झूठ बोलूँ मैं सर। सर मैं सुनो, बात तो सुनो सर मेरी। सर सुन रहे हो?